हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल तो देखो कल हमने जो क्वेश्चन किया था विल कॉक्शन ओके okay? उसके दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं कि, कि किस तरीके से करना ठीक है मैथड देखो सेम ही आने वाली है जो मैंने आपको बता दी आपको बस उसके हिसाब से क्वेश्चन करते जाना है ठीक है सिर्फ नंबर बदलते हैं और कुछ नहीं होता अंदर बस आपको डिफरेंस निकालना है चलो तो एक बार फिर से ये मेथड समझ लेते चलो देखो क्या लिखा है क्या आपको यहां पर बोला गया ट्वेल्व बॉयज एंड ट्वेल्व गर्ल्स ओके एक चीज याद रखना कि जब भी विल कॉक्शन होगा ना तो समझना कि हमेशा ये दोनों इक्वल ही होंगे मतलब जितने एक्स होगा इतना ही वाई होगा मतलब यहां पर जो बॉयज है वो जितने होंगे उतने ही गर्ल्स होंगे बिकॉज हम कंपेरिजन कर रहे हैं ना हम यहां पर अब जब बारह बॉयज है तो बारह गर्ल्स होगी तो ही कंपेरिजन सही होगा ना वरना अगर कम ज्यादा होगा तो मतलब कैसे होगा ठीक है तो ये इक्वल ही होगा मैन विटनी में जरूरी नहीं है कि इक्वल हो और नहीं भी हो सकता है ठीक है मैन विटनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इक्वल हो भी, होगा भी या नहीं भी होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैन विटनी को लेकिन यहां पर कंपलसरी दोनों इक्वल होने चाहिए एक्स और वाई ठीक है जितने एक्स है उतना ही वाई होना जरूरी है ये 2016 में पूछा था देखो क्लियर कट लिखा ही है, विल टेस्ट, विल टेस्ट देना है और आपको बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अ लाइक तो बस आपको यही ले लेना है एच ओ लिख देना है कि द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयस एंड गर्ल्स आर इनसिग्निफिकेंट ओके इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा अब देखो यहां पर डिफरेंस कैसे लेना है तो मैंने कल भी आपको बताया था आप डिफरेंस लेने के टाइम पर वाई माइनस एक्स करो मतलब y में से x माइनस करो कितना आ रहा है तो देख लो नाइन एटी फाइव माइनस नाइन्टी सिक्स इलेवन माइनस में ठीक है यही ध्यान रखना है यहां पर ठीक है जब आप माइनस प्लस कर रहे हो तो थर्टी वन सिक्सटी नाइन और एटी टू माइनस थर्टी ओके माइनस थर्टी सेवेंटी वन और सेवेंटी टू तो माइनस वन आ गया ठीक है यहां पर 89 और 73 मतलब 16 ओके okay? 59 और 75 मतलब यहां पर माइनस सिक्सटीन फिफ्टी और 78 एट माइनस ट्वेंटी ओके 66 और 55 तो मतलब 11 आ जाएगा सिक्सटी और नाइन्टी मतलब ट्वेंटी माइनस में आ जाए ठीक है सेवेंटी सिक्स और 64 सिक्सटी फोर तो यहां पर ट्वेल्व आ गया यहां पर माइनस वन और यहां पर फाइव हो गया कोई भी मिस्टेक यहां पर नहीं होनी चाहिए जितना हो सके उतना इसको ध्यान से कंप्लीट करो अब इसको है ना अरेंज करना है विदाउट सींग साइन मतलब साइन को मत देखो माइनस प्लस सब एक ही है बराबर सिर्फ इसको आप अरेंजमेंट करते जाओ देखो यहां पर वन दिख रहा है यहां पर भी वन दिख रहा है तो वन और वन को अरेंज कर दो क्लियर खत्म उसके बाद यहां पर आपको वन के बाद आंसर आना चाहिए तो हाँ देखो वन के बाद अभी देखो पूरा टेन तक कुछ भी नहीं है ठीक है सिर्फ यहाँ पर एक फाइव है उसके अलावा कुछ नहीं है तो यहाँ पर फाइव लिख दो फाइव के बाद इलेवन है ठीक है तो इलेवन एक दो बार है प्लस माइनस नहीं देखना है माइनस का इलेवन भी इलेवन ही है और प्लस का एलेवन भी इलेवन ही है कुछ भी फर्क नहीं है दोनों की फिर यहाँ पर थर्टीन है थर्टीन के पहले ट्वेल्व आ रहा है तो ट्वेल्व और फिर थर्टीन आएगा फिर उसके बाद यहां पर ट्वेंटीन सिक्सटीन आने वाला है तो ये सिक्सटीन हो गया और फिर उसके बाद यहां पर ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी वन और ट्वेंटी थ्री और उसके बाद थर्टी वन एक आने वाला जितनी लाइन है मतलब कितने ट्वेल्व है तो ट्वेल्व नंबर्स ही होंगे यहाँ पर देख लो चेक कर लेते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ट्वेल्व और यहाँ पर कुछ भी कम हुआ ही नहीं यहाँ पर आपका जो एन है वो भी ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपने मतलब यहाँ पर कुछ कम हुआ ही नहीं कंप्लीट इसके बाद अभी आपको रैंक देना है रैंक का मतलब क्या हो गया तो देखो जो रैंक आपने दिया है नंबर वाइज, उसको यहां पर लिख दो जैसे 11 है तो 11 को यहां पर देखो अभी एवरेज करना पड़ेगा यहां पर 11 है तो 11 का रैंक क्या आ जाएगा एवरेज जो डबल डबल है ना उसको एवरेज कर दो ताकि मतलब हाँ चलो अब देखो 11 है तो मतलब 4.5 आ जाएगा और यहां पर भी 11 है तो 4.5 आ गया फिर 16 है तो 16 पे 8.19 आ जाता है तो यहाँ पर भी 8.9 आ जाएगा ठीक है दोनों 16 पे बाकी सब तो एज इट इज रख दो जैसे 1 पे 1, 1.5 पे 3 है अब देखो यहाँ पर भी 1.5, 1.5 होगा ठीक है 1 का भी 1.5 होगा क्योंकि वो भी दो बार है ओके फिर 12, 12 का नंबर क्या है 6 है 12 के आगे 6 है 13 का नंबर क्या है सेवन है फिर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और थर्टी वन तो ये दस हो गया इसका नंबर तो मैंने क्या कर दिया अच्छा एक पॉइंट नाइन लिख दिया सॉरी एट पॉइंट फाइव आएगा ठीक है एट पॉइंट फाइव हो जाएगा यहाँ पर और फिर आगे टेन हो गया ये इलेवन हो गया और ये ट्वेल्व हो गया चलो कंप्लीट तो ये एकदम परफेक्टली कंप्लीट करना है और फिर आपको यहां पर इतना पकड़ना है कि यहां पर प्लस अमाउंट कौन सी है ये प्लस है ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये भी प्लस टोटल तो चार अमाउंट प्लस में है तो उसका नंबर्स उसका रैंक रैंक साइड पे लिखना है मतलब इसका रैंक जो है ना वो यहां पर लिखना है एट पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव सिक्स और ये थ्री ये यहां पर लिख देना है. अब इसको टोटल कर लो क्या आ रहा है ट्वेंटी टू आर ठीक है और जो उस साइड का तो, मतलब टोटल है वो यहां पर लिख दो और फिर उसको टोटल कर दो देखो एक बार प्लस वाला पकड़ के उसको अलग कर दो बाकी तो मतलब जो रह गया वही लिखना होता है बाकी तो जो रह गया वही लिखना होता है ना ठीक है थोड़ा ये वाला वर्क को भी ऐसे यूज कर यहां पर कितना आ रहा है फिफ्टी सिक्स ओके चलो अब यहां पर आपको लिखना है टी टी कितना आएगा यहां पर एक मिस्टेक हुई है जो थ्री है वो यहां पर नहीं आएगा अब देख लो फिफ्टी सिक्स आ रहा है एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन calculation... आ, मैंने कैलकुलेशन सही की लेकिन मैंने वो लिखने में थ्री कर दिया चल ट्वेंटी टू ये आ गया यहां पर ओके जो कम है ना वो लेना होता है मतलब जो कम है वो यहां पर कंसिडर किया जाएगा ठीक है मतलब प्लस की साइन देखो कम है प्लस की साइन में देखो चार ही नंबर आ रहे तो मतलब वो यहां पर कंसीडर कर लो और फिर क्या करना है यहां पर मीन लेना है और मीन मतलब इधर ईटी हो गया ठीक है और मीन का मतलब फॉर्मूला क्या था यहां पर एन एन प्लस वन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा फोर मतलब यहां पर आपके पास बारह बारह प्लस वन डिवाइड बाई फोर करो कितना आ रहा है कितना आ रहा है थर्टी नाइन आ रहा है चेक करो थर्टी नाइन आना चाहिए आ गया चलो उसके आगे स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे यहां पर तो आने वाला है ई सॉरी ई नहीं सिग्मा टी आएगा यहां पर एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अंडर रूट में क्या होता है डिवाइड में चौबीस तो देखो एक चीज समझो जो आपने मैन विटनी में लेते थे ना एग्जैक्टली यहां पर उसका डबल है एग्जैक्टली डबल है देखो मीन में मैन विटनी में, में ना वहां पर दो डिवाइड करते थे अगर आप थोड़ा नोटिस किया हो इसको याद रखने के लिए कि क्या कर सकते तो अगर आपने वहां पर मैन विटनी में अगर प्रोसीजर किया था ना तो वहां पर आपने डिवाइड बाई टू करते थे मीन के अंदर और उधर बारह करते थे उसमें समझे और यहां पर एग्जैक्टली exactly उसका डबल है आप चेक करो उसमें डबल है मतलब आप उधर जितना डिवाइड करते थे उससे एग्जैक्टली exactly यहां पर डबल कर रहे हम काम ठीक है तो ये भी एक मतलब मैन विटनी से यहां पर जो डिवाइडर हो रहा है वो दोनों के डबल है ठीक है दोनों में डबल है मीन में भी डबल है और उसमें भी डबल है चलो क्या आने वाला है तो देखो यहां पर ट्वेल्व होगा ट्वेल्व प्लस वन होगा और ट्वेल्व को यहां पर दो से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब चौबीस चौबीस प्लस वन डिवाइड बाई चौबीस ऊपर पहले मल्टीप्लाई करो देखो ट्वेल्व इंटू थर्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर और फिर अंडर रूट करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है ट्वेल्व आर 12.75 आर आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट सेवेंटी फाइव आ रहा है ओके और फिर आपको यहां पर Z की वैल्यू निकालनी है जिसमें T माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 22 में से 39 माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो आपको उसका आंसर मिल जाएगा 22 में से 39 माइनस करके 12.75 करो आपको उसका आंसर मिलेगा 1.33 माइनस में मत लिखना उसको प्लस में लिखना है क्योंकि z मैंने मॉड्यूलस में लिखा है तो z की जो वैल्यू है 1.96 से कम है आपको बोला है कितने परसेंट लेवल पे करना है देखो यहां पर क्लियर कट मेंशन है 5 परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल के रखा है तो यहां पर 5% परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ये 1.33 आया दैट मीनस के 1.96 जो है वो यहां से लेस देन मतलब एच ओ इज एक्सेप्टेड हो गया एच ओ इज एक्सेप्टेड हां कंप्लीट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में छह मार्क्स के लिए ठीक है कभी कभी आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर मैन विटनी भी बोल देते हैं और बोले कि विल कॉप्शन भी कर लो अब यहां पर प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैन विटनी के टाइम पे अभी विल कक्शन में तो कर लेंगे फटाफट से लेकिन मैन विटनी में प्रॉब्लम होगी पता है कौन सी प्रॉब्लम सोच के रखो तब तक हम पहले विल कॉप्शन कर लेते ठीक है पहले विल कॉप्शन करेंगे हम साइन रैंक ओके तो यहां पर विलक ऑप्शन करेंगे हम सबसे पहले तो देखो पहले डिफरेंस निकालेंगे ट्वेंटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव तो मतलब आपका यहां पर आंसर होगा माइनस ट्वेंटी टू ठीक है वाई माइनस एक्स करेंगे ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टी थ्री सिक्सटीन थर्टी में से थर्टी थ्री माइनस करें माइनस थ्री ठीक है फोर्टी फोर में से ट्वेंटी फाइव माइनस करें तो नाइनटीन होता है ओके थर्टी एट में से ट्वेंटी सिक्स माइनस करे तो ट्वेल्व आता है ओके फोर्टी टू में से अगर ट्वेंटी एट माइनस करे तो ट्वेल्व फोर्टीन होता है फोर्टी वन में से ट्वेंटी नाइन माइनस करे तो ट्वेल्व होता है फोर्टी में से ट्वेंटी फोर माइनस करे तो सिक्सटीन होता है थर्टी नाइन में से थर्टी फाइव माइनस करे तो फोर होता है और यहां पर थर्टी फोर में से थर्टी सिक्स माइनस करे तो माइनस क्या होता है टू एक बार चेक कर लो कहीं पे प्लस माइनस साइन की डिफरेंस नहीं होनी चाहिए ठीक है क्योंकि प्लस माइनस साइन अगर आपकी गलती होती है तो देखो रैंक गलत नहीं होगा रैंक सही होगा लेकिन जब आप वो प्लस में और माइनस में लिखोगे वहां पर मिस्टेक होती है फिर ठीक है इसीलिए चलो तो सबसे पहले इसका एच ओ ले लेते हैं अब देखो एच ओ क्या ले लेंगे कहीं पर कुछ बोला है मैन को ऑप्शन में यहां पर बोल के रखा अब देखो यहां पर एच ओ नहीं बोला तो हम ले लेंगे डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल इज इनसिग्निफिकेंट ओके okay, तो इस तरीके से आप पहले एच ओ ले लो अब फिर जाके अरेंज करो इसके नंबर को ठीक है फिर जाके इसको अरेंज करना है नंबर वाइज देखो सबसे पहले नंबर है दो फिर तीन फिर चार दो तीन और चार फिर यहाँ पर पाँच छ सात आठ तो कुछ है नहीं सीधा बारह पर जाता है ट्वेल्थ दो बार आ रहा है तो ट्वेल्व टू टाइम्स आ रहा है ट्वेल्व के बाद फोर्टीन सिक्सटीन अच्छा टू टाइम्स है सिक्सटीन फिर नाइनटीन और फिर ट्वेंटी टू हो गया इसको नंबर दे देंगे तो देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन कंप्लीट हो गया ये नंबर उसके बाद यहाँ पर इसको एवरेज जो मतलब एक जैसे नंबर है जैसे ये बारह बारह दो बारह आ रहा है तो उसको नंबर एवरेज कर लेंगे सिक्सटीन भी टू टाइम्स आ रहा है तो उसको एवरेज कर लेंगे मतलब बाईस को नंबर जाने वाला है दस सिक्सटीन को नंबर जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ठीक है इसका एवरेज हो जाएगा तो सेवन पॉइंट फाइव नंबर होगा यहाँ पर फोर पॉइंट फाइव नंबर होगा दोनों को फिर यहाँ पर थ्री है तो थ्री को नंबर जाएगा टू ये नाइन ये आपका 4.5 नंबर्स जाएगा यहां पर 14 है तो 6 नंबर होगा यहां पर 12 है तो वापस 4.5 होगा 16 है तो 7.5 होगा है तो 3 रहेगा और 2 है तो 1 रहेगा ठीक है ये हो गया उसके बाद आप रैंक को अलग से लिख दो देखो प्लस वाले रैंक को अलग से लिख दोगे प्लस वाला रैंक है ठीक है मतलब देखो ये जो रैंक है वो सारे प्लस के रैंक है एक दो तीन चार पांच और छ इसके रैंक आप अलग से लिखोगे रैंक लिखना है नंबर वो ही मत लिख देना ठीक है उसके रैंक लिखने ठीक है और बाकी जो माइनस रहे उसके रैंक यहां पर लिख दो फाइव, टू और यहां पर वन अब इसको आप टोटल करो दोनों साइड का क्या टोटल आ रहा है मुझे बताओ थर्टी फोर पॉइंट फाइव आया ठीक है प्लस का और ट्वेंटी पॉइंट फाइव आया ओके ये आया थर्टी फोर पॉइंट फाइव और ये आया ट्वेंटी पॉइंट फाइव ओके सही है अब देखो जो कम है वो कौन है ट्वेंटी पॉइंट फाइव ठीक है तो यहां पर ट्वेंटी पॉइंट फाइव को हम कंसीडर करेंगे तो ट्वेंटी पॉइंट फाइव को हम टी कंसीडर करेंगे ट्वेंटी पॉइंट फाइव को ठीक है ट्वेंटी पॉइंट फाइव को हम टी कंसीडर कर लेंगे और फिर मीन जो है वो लेना है ई टी यानी कि एन एन प्लस वन डिवाइड बाय सॉरी फोर आएगा फोर ओके okay, मतलब देखो आपके पास दस दस प्लस एक डिवाइड बाय चार दस और ग्यारह डिवाइड बाय चार करोगे तो सत्ताईस पॉइंट पांच आपका यहां पर फाइनल आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि ये आपका आंसर हो गया एन प्लस वन और टू एन प्लस वन यहाँ पर ट्वेंटी फोर आ जाए okay. अब इसको भी सॉल्व करके बताओ क्या फाइनल आंसर आ रहा है टेन टेन प्लस वन और यहाँ पर टेन मतलब ट्वेंटी प्लस वन हो जाएगा और फाइनली ट्वेंटी फोर चलो तो इलेवन प्लस ट्वेंटी वन इलेवन और ट्वेंटी वन और टेन का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर और उसका अंडर रूट क्या आंसर आया नाइन पॉइंट बोलो फाइनल आंसर क्या आ रहा है नाइन पॉइंट एटी वन आया okay. इसके बाद आपको जेड निकाल देना है टी माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन टी कितना है आपके पास तो टी आया था ट्वेंटी पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय नाइन पॉइंट एटी वन नाइन पॉइंट एटी वन से डिवाइड करो माइनस करके कितना आ रहा है जीरो पॉइंट सेवेंटी वन ओके जीरो पॉइंट सेवेंटी वन आ रहा है ओके okay. तो यह आपका आंसर आया जीरो पॉइंट सेवेंटी वन अब यहां पर आप चेक कर लो कि एच ओ क्या हो रहा है एक्सेप्ट या रिजेक्ट ये 1.96 से कंपेयर कर लो क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यहां पर एच ओ जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है एच ओ इज एक्सेप्ट ठीक खत्म ये क्वेश्चन आपको यहां पर जो का ऑप्शन पूछा था वो कंप्लीट हो गया अब यहां पर सेम क्वेश्चन के अंदर मैन विटनी भी पूछा सेम क्वेश्चन तो देखो मैन विटनी में क्या करना है तो so, यहां पर भी एच ओ वही लेना है कि डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल इनसिग्निफिकेंट ओके अब क्या करेंगे आप तो देखो सबसे पहली बात यहां पर रैंक देने के टाइम पे हम क्या करते थे याद है वापस हां तो देखो यहां पर आपको सबसे पहले अरेंजमेंट करना था और फिर हम उसको नंबर देते थे ठीक है तो पहले इसका अरेंजमेंट कर देते ठीक है फिर रैंक देना काफी इजी हो जाता है चलिए तो पहले अरेंजमेंट कर लेते देखो सबसे पहले यहां पर जो नंबर दिख रहा है वो कौन सा है तो एक तो देखो यहां पर ट्वेंटी फाइव दिख रहा है और ट्वेंटी फाइव से पहले ट्वेंटी फोर है और ट्वेंटी थ्री भी है और ट्वेंटी सेवन भी है तो मतलब देखो पहले ट्वेंटी वाली पहले पूरी सीरीज देख लेते हैं। तो ट्वेंटी वाले मतलब पूरे नंबर्स को टिक करके रख लेते हैं। ताकि क्या फटाफट से इसको हम अरेंज कर पाए ठीक है चलो तो देखो ट्वेंटी थ्री पहले आएगा फिर ट्वेंटी फोर आने वाला ठीक है फिर ट्वेंटी थ्री सॉरी ट्वेंटी फाइव आएगा फिर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हो गए सात संख्या हो गई अब यहाँ पर थर्टी है तो थर्टी लिख दो फिर थर्टी वन है नहीं है थर्टी वन नहीं है थर्टी वन तो थर्टी टू भी नहीं है थर्टी थ्री से स्टार्ट हो रहा है थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स तो थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स ओके अब थर्टी सिक्स के बाद थर्टी सेवन नहीं है तो थर्टी एट जा रहा है तो थर्टी एट और थर्टी नाइन और फोर्टी थर्टी एट थर्टी नाइन और फोर्टी फोर्टी वन फॉर्टी टू भी है फोर्टी वन और फोर्टी टू है फोर्टी थ्री भी है अब इसको नंबर दे दो आराम से मतलब देखो एक दो तीन चार पाँच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस हो गया ट्वेंटी तक तो ट्वेंटी नंबर्स है ना टोटल टेन इसमें है टेन इसमें अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर कहां पर अटकेगी पता है आपकी यहाँ पर एन वन भी है ना टेन है और एन टू भी टेन है तो फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे ये यह यहां पर प्रॉब्लम आती है तो वो भी सॉल्यूशन है देखो अपने पास चलो पहले इसको अरेंजमेंट तो करो देखो यहां पर ये यह वन हो गया ठीक है फिर ये टू ठीक है फिर ये ट्वेंटी फाइव पे थ्री फिर ये फोर फिर ये फाइव फिर ये सिक्स ये सेवन फिर ये एट ये नाइन टेन इलेवन ट्वेलव फिर थर्टीन फोर्टीन सिक्स फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन ये एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी देखो यहां पर कोई नंबर रिपीट नहीं होता था तो आप डायरेक्ट नंबर भी दे देते ना तो शायद मिस्टेक में नहीं पड़ते आप मतलब आप कोई इतना प्रॉब्लम नहीं अगर आपको कोई भी नंबर डबल दिख रहे हैं ना तो वहां पर आप ऐसे अरेंजमेंट करके नंबर दो तो ज्यादा मतलब आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम है यहां पर अगर मैं अरेंज नहीं करता डायरेक्ट भी नंबर दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है चलेगा अब यहां पर काम करना है आपको टोटल पे पहले इन दोनों का टोटल करो जिसको हम R1 R2 बोलते थे करो चलो R1 कितना आ रहा है R2 कितना चेक करो तो देखो R1 आ रहा है 92 ओके okay? 92 आ रहा है और ये कितना आएगा वन वन एट ओके अब यहां पर आपको यू निकालना है एन वन एन टू प्लस माइनस क्या करोगे बताओ तो देखो पहले क्या था n देखते थे अब यहां पर n आपका दोनों इक्वल हो गया तो ये देख लो कि आर वन कौन सा वैल्यू में कम है ठीक है वो कर लो मतलब एन वन एन वन प्लस वन डिवाइड बाय टू क्योंकि आर वन की वैल्यू कम है तो यहां पर देखो दस और दस माइनस क्या होगा दस दस प्लस वन डिवाइड बाय माइनस नाइन्टी टू चेक करके देख लो यहां पर ये यह सौ आ जाएगा प्लस ये फिफ्टी फाइव और ये नाइन्टी टू कितना आ रहा है टोटल तो सिक्सटी थ्री आ रहा है। और सिक्सटी थ्री के बाद आपको यहां पर मीन निकालना जिसको बोलेंगे ई ऑफ यू एन एन सॉरी एन इंटू एन आएगा ना एन वन इंटू एन टू डिवाइड बाई टू यहां पर दस और दस दोनों सेम है तो मतलब डिवाइड बाई दो करोगे तो यहां पर पचास आ जाता यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है मतलब सिग्मा यू एन वन एन टू एन वन प्लस एन टू प्लस वन डिवाइड बाय क्या होता है यहां पर ट्वेल्व चलो इसको सॉल्व करके बताओ दस 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 प्लस दस प्लस एक मतलब टेन 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 प्लस टेन प्लस वन हो गया और डिवाइड बाय ट्वेल्व कितना आ रहा टोटल इसका फाइनल आंसर देखो वो तो ट्वेंटी वन हो गया ट्वेंटी वन इंटू टेन इंटू टेन डिवाइड बाई ट्वेल्व और उसको अंडर रूड करोगे तो थर्टीन पॉइंट क्या आ रहा है ट्वेंटी थ्री आ रहा है और ये आपका यहां पर हो गया जेड यू माइनस मतलब आपका आंसर आया था ऊपर यू का 63, 63 थ्री माइनस थर्ट आ रहा था कि आपका मीन जो था 50 था मीन 50 था और ये 13.23 था ठीक है मीन क्या था ये रहा 50 है और ये 13.23 है आप उसको डिवाइड कर दो माइनस करके तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 0.98 मतलब यहां पर भी आपका जो एच ओ है वो 1.96 पर एक्सेप्ट ही होगा चेक करके देख लो तो आप लिख देंगे कि एच ओ इज एक्सेप्टेड एट 5 परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट ओके कंप्लीट आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ओके okay? तो देखो यह हो गई आपकी मैन विटनी की भी मतलब क्वेश्चन हो गया इसके अंदर और आपका विल कॉक्शन का भी क्वेश्चन पर कवर हो गया कंप्लीट हो गया यह क्वेश्चन आपका यहां पर और दो मेथड हमने लगभग कंप्लीट कर ली ठीक है दोनों मेथड हमने कंप्लीट कर ली विटनी और विल कॉक्शन ओके